हेलो दोस्तों, मैं गुफरान उस्मानी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एमजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, एक बार मैं उन सबको रिवाइज करा दूं आपको कि पिछली वीडियो में आपको हमने बताया कि त्रिकोणमिति में जो कैसे एक त्रिभुज का अध्ययन करते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण के सामने वाली और देखिए दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी अगर मैंने अगर इसको थीटा मान लिया तो इसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। बाकी जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि लाल बटे कक्का, यानी कि ये जो एल अपान के यानी कि लंब बटे कर्ण आपका हो जाएगा साइन थीटा, आधार बटे कर्ण आपका हो जाएगा कॉस थीटा और लंब बटे आधार ये हो जाएगा टैन थीटा। और हमने बताया था कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो दोस्तों इन चीज़ों को हमने बताया था और बिल्कुल इनको याद करने का कैसा। और दूसरा हमने बताया था कि जो आपका कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में जब हमने कर्ण से भाग किया तो एक फार्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, और जब हमने लंब से भाग किया तो ऐसे बना सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक बना कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो इनसे फार्मूले बने एक बार लंब से कर्ण से आधार से भाग करके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियो को आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा और ये देखने की आवश्यकता है वो चाहे जिस लेवल का विद्यार्थी हो। तो दोस्तों आइए आज हम समझेंगे कि हमारा टॉपिक जो है वो है कि त्रिकोणमिति में जो जीरो से लेके 90 डिग्री तक कोण होते हैं इनका जो मान होता है साइन में, कॉस में, टैन में, उनका एक पर्टिकुलर मान होता है, वो मान क्या होता है। और इनमें अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न बना रहता है कि इसका मान क्या होता है। तो आज इसका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट के साथ में आपके साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों सिर्फ आपको एक का मान याद करना है, यानी कि साइन का मान। साइन का मान अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बचा कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब का मान आप साइन से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि किन किन का मान हमें याद करना है जो हमें प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। सबसे पहला 0 डिग्री का मान, दूसरा 30 डिग्री का मान, तीसरा हो जाएगा आपका 60 डिग्री, नहीं आपका 45 डिग्री होगा, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब देखिए इनको याद करने के लिए सबसे पहले इनका मान हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका थीटा है, साइन में क्या मान होता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा कि हम एक संख्या लिख लेंगे 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4। इतनी संख्या हम लिखने के बाद में हम क्या करेंगे कि सारी संख्याओं को 4 से डिवाइड कर देंगे। कितने से, 4 से डिवाइड करने के बाद में इन सारी संख्याओं का हम क्या निकाल लेंगे, रूट। रूट निकालना जानते हैं आपको कक्षा 5-6 में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ भी लिया होगा। अब देखिए रूट निकालने के लिए क्या होता है कि उसी संख्या को उसी से गुणा करना। जैसे आपका रूट 9 निकालना है तो रूट 9 का मतलब हो जाएगा 3, यानी कि 9 क्या लिख सकते हैं, 3 एक निकल गया, रूट हट गया। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो आप जानते हैं क्या आएगा, 0 आएगा। और 1 का रूट क्या होता है, 1 को कितनी बार भी लिख सकते हैं, 1 का रूट 1। और रूट 4 का मान कितना होता है, 2, क्योंकि 2 दुना 4। और यहाँ पर देखिए 2 दुना 4 हमने काट दिया तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा, 2 एकम 2 1 बचा, 1 का तो आप जानते हैं वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। दूसरा अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 का तो आपका जोड़ा बन नहीं पाएगा इसलिए √3, और 4 का आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर √4 कैंसिल, 1 का रूट कितना हो जाएगा,
वन। इसलिए अब यहाँ पर जो देख लिए संख्या आपको दिखाई दे रही 0, 1.2, 1.2, 2, 3, 2, 1, ये आपका क्या है, ये साइन में जीरो की वैल्यू जीरो होगी, साइन 30 की वैल्यू 1.2 होगी, साइन 45 की वैल्यू 1.2 होगी, और साइन 60 की वैल्यू 3.2, और साइन 90 की डिग्री 1। अब देखिए आपका, हमने बताया आपको कि सिर्फ आपको साइन का याद कर लेने से और सारी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, साइन का आपको पता हो गया, अगर आपसे पूछा जाए साइन 60 की वैल्यू क्या होगी तो √3/2। अब देखिए इसी से कॉस की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कॉस 0 की वैल्यू कॉस 30 कॉस। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको हम पीछे से लिखते हुए चले आएंगे, 1√3/2, 1/√2, और यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0। यानी कि आपका जो साइन में जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो कास में क्या हो जाएगी, कास जीरो की वैल्यू 1, कास 30 की वैल्यू √3/2, और कास 45 की 1.2, 60 की 1.2, 90 की 0। तो आपको याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपको याद हो गया होगा साइन की वैल्यू और साइन कॉस की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि साइन के बाद में अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान भी हम देख लेते हैं। देखिएगा साइन के बाद में आपका क्या बचा, साइन का उल्टा क्या होता है आप जानते हैं, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक कैसे निकालते हैं देखिएगा, सबसे पहले हम साइन का लिख लेते हैं। साइन का आप जानते हैं कि आपको क्या हो, 0, 1, 1/√2, देखिए 0, √3/2। सबसे पहले हम साइन का मान लिख लेते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/2। देखिए आओ भी हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम साइन का लिख लेते हैं, साइन का क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2, और देखिएगा 90 की वैल्यू 1। अब देखिए जैसे हमने कास का मान निकालना बताया कि इसको हम क्या कर देंगे, कास थीटा का इसका रिवर्स कर देंगे, 1/√3/2, 1/√2, 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए अब हम निकालते हैं साइन के बाद में अगर हम टैन का निकालना चाहें तो टैन थीटा, तो टैन थीटा का हम मान कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि टैन थीटा बराबर, आप जानते हैं कि हमने बताया था लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, लेकिन एक फार्मूला ऐसा भी होता है कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि साइन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब बटे आधार, यानी कि ये फार्मूला इसी से बनकर आता है, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण से, कर्ण से अगर दोनों डिवाइड कर देंगे तो ये आपका फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए हमें यहाँ पर मान निकालना है कि साइन, यहाँ पर देखिए पहले साइन का मान फिर नीचे कॉस का मान, तो यहाँ पर आपको जैसे टैन जीरो का मान निकालना है तो साइन जीरो अपान कॉस जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू 0/1, 0/1 का मतलब 0 किसी संख्या से भाग दोगे तो क्या आएगा 0। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को साइन 30/cos 30, देखिए 2 से 2 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1/√3, यहाँ पर देखिए √2 से √2 कैंसिल 1 से 1, तो ये क्या हो जाएगा साइन टाइम 45 की वैल्यू 1। वैसे देखिए यहाँ पर 60 की काट देंगे आप कितना बचेगा √3, 1/0। यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है आपको कि जब यहाँ पर 0/1 होता है, यानी किसी भी संख्या को, किसी जीरो को जब हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आती है, लेकिन किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं
यहाँ पर क्या आता है आपका इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट इसे कहते हैं। अब देखिए इनफाइनाइट के बारे में कभी और चर्चा करेंगे कि इनफाइनाइट होता क्या है असल में। वैसे तो आज सिर्फ टारगेट है कि इसको याद किया जाए। तो देखिएगा अब हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कि जैसा हमने बताया कि टैन थीटा का ठीक विपरीत कॉट थीटा, तो जीरो का विपरीत क्या होगा अनडिफाइंड। अब देखिए वन अपॉन रूट थ्री का अपोजिट रूट थ्री, वन का अपोजिट वन, रूट थ्री का अपोजिट देखिए इसके नीचे वन मान सकते हैं, रूट थ्री का अपोजिट वन अपॉन रूट थ्री। और देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या था, जिस तरीके से जीरो का उल्टा अनडिफाइंड हुआ वैसे अनडिफाइंड का जो विपरीत होगा वो क्या होगा जीरो होगा। अब देखिए अभी तक आपने साइन कॉस टैन कॉट बहुत ही आसानी से याद कर लिया कि क्या होता है साइन कैसे कॉस कैसे। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो आइए हम कॉसेक का मान याद कर लेते हैं। कॉसेक जीरो थर्टी, कॉसेक आप जानते हैं किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा, तो यहाँ पर देखिए जीरो का उल्टा क्या होगा अनडिफाइंड, वन अपान टू का उल्टा दो, वन अपान रूट टू का उल्टा कितना हो जाएगा रूट टू, और रूट थ्री अपान टू का उल्टा टू अपान रूट थ्री, और वन का उल्टा वन हो जाएगा। तो अभी तक आपने याद कर लिया कॉसेक का। ऐसे आपको सेक का अगर याद करना है सेक थीटा का, तो सेक का क्या होगा सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस वन का वन रूट थ्री अपान टू का टू अपान रूट थ्री, वन अपान रूट टू का रूट टू, वन अपान टू का टू, और जीरो का उल्टा आपका क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो ये आपको जो त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात का मान जो याद करना था बहुत ही आसानी से आपने समझ लिया होगा कि साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक से। अब देखिए एक बार इसका ओवर एक बार रिव्यू कर देते हैं, यहीं पर आपको जहां तक ये पूरी सारी याद हो जाएगी। देखिए कैसे आएगा साइन जीरो का मान जीरो, थर्टी का मान वन अपान टू, वन अपान रूट टू, रूट थ्री अपान टू, वन। अब देखिए कॉस निकालने के लिए हम इसको पीछे से लिख देंगे वन रूट थ्री अपान टू, वन अपान रूट टू, वन अपान टू, जीरो निकल गया। अब टैन को निकालने के लिए हम जानते हैं कि टैन का मतलब होता है साइन अपान कॉस थीटा, यानी कि साइन अपान कॉस थीटा का मतलब साइन अपान कॉस, यानी कि जीरो बटे एक जीरो हो गया, वन अपान रूट टू रूट थ्री अपान टू, रूट से रूट कैंसिल तो वन अपान रूट थ्री, ऐसे रूट टू से रूट टू कैंसिल पूरा आ गया वन, यहाँ पर देखिए दो से दो कैंसिल रूट थ्री, यहाँ पर वन अपान जीरो का अनडिफाइंड। ऐसे अब देखिए टैन आपको प्राप्त हो गया, तो टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, और टैन के सारे मान को हमने पलट दिया आ गया कॉट। ऐसे कॉसेक का कैसे, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा, इसलिए कॉसेक साइन के सारे मान को हमने पलट दिया आ गया आपका कॉसेक। ऐसे सेक आपका कॉस का उल्टा होता है, तो हमने कॉस को पलट दिया तो आ गया आपका सेक का मान। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आपको फुल ट्रिग्नोमेट्री जो कोणों के मान हैं आपको बहुत ही आसानी से याद हो गए होंगे। तो दोस्तों आगे हम कुछ अन्य बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।